हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग और एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक लेवल और ऊपर जाएंगे। पहले वाले वीडियो में हमने जो बेसिक्स कवर किए थे उसका एक बार रिविजन में फिर से करा दूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। अगेन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारा जो क्वेश्चन होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले हमें दिया होगा एक बैलेंस शीट, एंड जो सेकंड पार्ट होगा उसमें दिए होते कुछ एडजस्टमेंट, जिनकी मदद से हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। एक और एक चीज मैंने आपको बताया था कि लाइबिलिटी साइड मतलब कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, एंड एसेट साइड मतलब कौन सा साइड, डेबिट साइड। अगर कभी भी हमें डेबिट की चीज को कम करना है तो हम लोग उस अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। और अगर हमें क्रेडिट की चीज को कम करना है तो हम लोग उसे क्या कर देते हैं, डेबिट। ठीक है, अपोजिट करेंगे तो कम होता है। एंड अगर सपोज मुझे इंक्रीज करना है तो हम लोग सेम चीज करते हैं। अगर डेबिट की चीज को इंक्रीज करना है तो वापस से क्या कर देते थे, डेबिट। और अगर क्रेडिट की चीज को फिर से इंक्रीज करना है तो क्या कर दो, क्रेडिट। तो प्लस करना है तो सेम सेम, माइनस करना है तो अपोजिट। ये हमारा रूल हुआ करता था, राइट? ओके, सो चलते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएटेड अगेन क्या करना है, कम करना है बाय 50,000। ये एडजस्टमेंट पहले वाले एग्जाम्पल के फर्स्ट एडजस्टमेंट की तरह ही है, मैं जानता हूँ। इसका मैंने बेसिक रखा है ताकि हम लोग जैसे जैसे आगे जाए वैसे वैसे आपको ज्यादा बेटर आइडिया आ सके, ठीक है? ओके, सो फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, ये बाय पे ध्यान देना। बाय 50,000 का मतलब क्या होता है कि 50,000 से कम करना है, ठीक है? ओके, सो फर्नीचर हमारा एसेट है जो कि ऑलरेडी कहाँ दिख रहा है, डेबिट साइड पे। So, अगर मुझे डेबिट की चीज को कम करना है तो मुझे फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सो मैं जाऊंगा हमारी जर्नल एंट्री की ओर, लिखूंगा नंबर 1, ऊपर का लाइन छोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे 2, यहाँ आएगा फर्नीचर अकाउंट, ऊपर क्या लिखेंगे, जो अकाउंट हम लोग यूज करते हैं इस चैप्टर में उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो एंट्री बनती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अमाउंट आएगा 50,000। ये होगा हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, ठीक है? ओके, मैंने ऊपर लिखा नहीं है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स वगैरह वगैरह, वो सब हमें पता है, राइट? मेन फोकस होना चाहिए जर्नल एंट्री समझने के ऊपर। ओके, अब जाते हैं सेकेंड वाली एडजस्टमेंट के अंदर। ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ नया पार्ट आने वाला है। यहाँ बोला है मशीनरी इज टू बी रेड्यूस। मशीनरी को क्या करना है, रेड्यूस करना है। रेड्यूस करना है, मशीनरी कहाँ दिख रहा है, डेबिट में। डेबिट की चीज को क्या करना है, माइनस करना है। तो मतलब अगेन क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ये तो सिंपल है, करेक्ट, इसमें कोई नया पार्ट नहीं है। नया पार्ट अमाउंट में है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, मशीनरी इज टू बी रेड्यूस्ड 28 लाख्स। ये 28 लाख्स का मतलब क्या हुआ, यहीं पे मेन चीज है। 8 लाख रुपए की एंट्री नहीं करनी है, ध्यान देना यहाँ पर। मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड 28 लाख्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 8 लाख तक कम करना है। पहले मशीनरी कितना का था, पहले मशीनरी 10 लाख का था। अब ये लोग बोल रहे हैं उसको इतना रिड्यूस कर दो कि उसका नया वैल्यू 8 लाख रह जाए। इसका मतलब हमें क्या करना है पता है, 2 लाख से कम करना है। तो हमारा जो एंट्री में अमाउंट आएगा ना वो ये है 2 लाख। देखा कैसे लोग घुमा के दे रहे हैं। अगर ऐसा दिया है बाय 50,000 तो मैंने डायरेक्टली यही अमाउंट ले लिया, यही है हमारा इसकी एंट्री करनी है अमाउंट। लेकिन अगर 2 आता है ना, 2, तो याद रखना जब भी जो अमाउंट भी आएगा 2 के साथ वो नहीं लिखना है, हमें कंपेयर करना पड़ेगा पहले कितना था रेड्यूस्ड 2। 8 लाख मतलब 10 लाख का था, उसको इतना रेड्यूस कर दो कि उसकी नई वैल्यू 8 लाख हो जाए। तो ये 2 लाख मुझे कैसे मिला, मैंने 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर दिया। ये इनका एडजस्टमेंट पूछने का तरीका है। अगर बाय बोलेंगे तो सेम अमाउंट, 2 बोलेंगे तो हम लोग कंपेयर करके डिफरेंस अमाउंट लेंगे, ठीक है? ओके, सो पहले एंट्री मशीनरी डेबिट में था, डेबिट की चीज को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है, खाली अमाउंट ढूंढने का तरीका चेंज हो गया, राइट? ऊपर क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन। तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ना 8 लाख ना 10 लाख, कितना लिखा, 2 लाख। 2 लाख कहां से मिला, उन्होंने बताया रिड्यूस्ड 28 लाख्स। 10 लाख की चीज को 8 लाख तक कम करना था, तो कितने से कम करना है, 2 लाख से, ठीक है? इसका नरेशन, नरेशन आएगा बीइंग मशीनरी
ठीक है, मशीनरी रिड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे बीइंग मशीनरी रिड्यूस्ड। ये रहा हमारा सेकेंड एंट्री। ठीक है, देखो जितने एग्जाम्पल करते जाएंगे उतना हमारा जो डाउट्स है ना वो क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, एक एडजस्टमेंट और सॉल्व करते हैं। वैसे मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में कि हम लोग जब भी एंट्री करेंगे तो कंबाइन एंट्री करेंगे, लेकिन फिर भी मैं फिलहाल अलग अलग ही कर रहा हूँ, सो दैट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बढ़ जाए। एक बार अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा उसके बाद हम लोग कंबाइन एंट्रीज ही करेंगे, एग्जाम में पेपर में कंबाइन एंट्रीज ही करना है। लेकिन फिलहाल सीखने के लिए मैं आपको इंडिविजुअल एंट्री सिखा रहा हूँ जो कि एक एक करके आ रहा है, देन हम लोग चाहे तो उसको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दोनों एंट्री को कंबाइन करना होता तो हम लोग कैसे करते हैं, एंट्री बनती कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू क्या लिखते हैं पहले, फर्नीचर, टू क्या लिखते हैं हम लोग मशीनरी। फर्नीचर में कितना आ जाता, 50,000, और मशीनरी में कितना आ जाता, 2 लाख, एंड कैपिटल रिडक्शन के सामने हम लोग लिख देते हैं 2.5 लाख। ये कंबाइन एंट्री करने का तरीका है जो हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कंबाइन एंट्री करके बताऊंगा, लेकिन पहले नॉर्मल एंट्रीज कर लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। अब थर्ड एंट्री में आते हैं। थर्ड में क्या बोला है, डेटर्स आर रीवैल्यूड, रीवैल्यूड एट 6 लाख। मैंने आपको बताया था रीवैल्यू का मतलब क्या होता है, रीवैल्यू का मतलब होता है न्यू वैल्यू, रीवैल्यू का मतलब नया वैल्यू। ठीक है, रीवैल्यू का मतलब ना इंक्रीज ना डिक्रीज। अब रीवैल्यू हो रहा है डेटर्स, डेटर्स पहले कितने थे, पहले 2.5 लाख थे, अब लोग बोल रहे 6 लाख के हो गए, तो पहले तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कैसे मिलेगा, 2.5 लाख माइनस 6 लाख, डिफरेंस आ रहा है 3.5 लाख। सबसे पहले तो ये फिक्स करो एंट्री में अमाउंट कौन सा आएगा, ना 2.5 लाख लेंगे ना 6 लाख लेंगे, कितना लेंगे, 3.5 लाख। ठीक है, अब ये डिसाइड करो कि ये 3.5 लाख इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो डेटर्स 2.5 लाख है, 2.5 लाख था, अब 6 लाख हो गए, मतलब इंक्रीज हो गए, तो मैं प्लस का साइन डाल देता हूँ। ठीक है, डेटर्स कहाँ पर है, डेबिट में, प्लस करना है, प्लस करना है तो अगेन डेबिट की चीज को क्या करना पड़ेगा, सेम डेबिट करना पड़ेगा, तभी प्लस का साइन यूज हो पाएगा। राइट, इंक्रीज कर रहे हैं ना, डेबिट की चीज को इंक्रीज करना है तो फिर से डेबिट करना पड़ेगा तभी वो इंक्रीज होगा। तो हम लोग जाएंगे एंट्री में, अब देखो एंट्री में क्या लिख रहा हूँ मैं, डेटर्स को इंक्रीज करना है ना, डेटर्स एसेट है ऑलरेडी डेबिट में, तो इंक्रीज करने के लिए सेम अगेन क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो नीचे कौन आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अमाउंट 3.5 लाख, यहाँ भी 3.5 लाख, यहाँ भी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या फर्स्ट टू एंट्रीज जैसे सेम थे और कंबाइन कर सकते थे, क्या इसको थर्ड एंट्री के साथ कंबाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ एसेट इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों में एसेट डिक्रीज हो रहा था, तो ये दोनों एंट्री साथ में कर सकते हैं हम लोग, इसे इसके साथ क्लब नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्लियर रखना। मैं नरेशन में लिखता हूँ, बीइंग डेटर्स रीवैल्यूड, ये याद रखना, नरेशन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, मार्क्स कट हो जाएंगे। नरेशन में आपको वही लिखना है जो हम लोग एडजस्टमेंट में देते हैं। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं। आगे क्या बोला है, अब बारी आ रही है एडजस्टमेंट नंबर 4 की, ध्यान से देखना, हर एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ नया पार्ट आ जाता है। बिल्डिंग इज, नया वर्ड, रिटर्न डाउन, अब ये रिटर्न डाउन का मतलब क्या हुआ, अगेन रिटर्न डाउन का मतलब रिड्यूस ही होता है। ठीक है, रिटर्न डाउन का मतलब रिड्यूस करना है, लेकिन देखो यहाँ क्या वर्ड यूज किया, टू, अगर ऐसा बोलता ना रिटर्न डाउन बाय 1,50,000 तो मैं 1,50,000 लेके एंट्री कर देता, सीधा सीधा खत्म, लेकिन नहीं, इन लोग ने और डिफिकल्ट कर दिया, लोग बोल रहे रिटर्न डाउन रिड्यूस तो करना है, लेकिन कहाँ तक रिड्यूस करना है, पहले हमारा जो बिल्डिंग था वो कितने का था, 3 लाख का था, पहले बिल्डिंग कितने लाख का था, 3 लाख का था, अब ये लोग बोल रहे हैं 3 लाख की चीज को हम लोग को क्या करना है, 3 लाख की चीज को हम लोग को क्या करना है, कम करना है, कहाँ तक कम करना है, 1.5 लाख रुपए तक कम करना है। अब देखो इत्तफाक से ना, यहाँ पर मैं पहले साइन डाल दू माइनस का, 1,50,000, अब यहाँ गड़बड़ी मत कर देना, ये इत्तफाक से देखो 3 लाख का आइटम था, वो लोग बोल रहे इसको कम करो, कहाँ तक कम करना है, 1.5 लाख तक कम करना है, तो मुझे जो बचा हुआ वैल्यू है ना जो रिड्यूस हो रहा है वो भी कितना आ गया, 1.5 लाख। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है, ऐसा हो सकता है कभी कभी, जब मैं एंट्री में 1.5 लाख लिखूंगा ना तो ये मत समझना कि ये वाला 1.5 लाख लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो रिड्यूस माइनस करके मिला ना, 3 लाख माइनस 1.5 लाख, ये लिख रहा हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ 160 होता तो मेरा जो वैल्यू होता ना वो कितना होता, 140, तो 140 की एंट्री हम लोग पास करते हैं।
ये टू और बाय का ध्यान रखना है आपको, बहुत लोग इसी में मार्क्स कट हो जाते हैं इसी चीज के चक्कर में कि क्या करे क्या करे करके। बाय होता है ना बाय 1,50,000, तो हम लोग डायरेक्टली ये ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिया था ना बाय 50,000 था तो 50,000 ही ले लिया। लेकिन अगर टू बोला है तो हमें हमेशा डिफरेंस अमाउंट लेना है, ठीक है। तो इस केस में डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 1,50,000, रिटर्न डाउन वैल्यू कम करना है। सो मैं अगेन जाता हूँ, बिल्डिंग की वैल्यू कम कर रहे हैं, बिल्डिंग डेबिट में है, डेबिट की चीज़ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। सो ऊपर किसका नाम आएगा, कैपिटल रिडक्शन का। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,50,000। 1,50,000 अगेन रिपीट कर दूँ, ये 1,50,000 डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है। ओके नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल्डिंग रिटर्न डाउन, बीइंग बिल्डिंग रिटर्न डाउन। आपको नए नए जो वर्ड्स आ रहे हैं ना इनको याद रखना है, क्योंकि सबका मतलब सेम होता है, सबका मतलब रिड्यूस ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 में कुछ नया आ रहा है क्या। हर एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ नया पार्ट डाल देते हैं, ध्यान से देखना। अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 को मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, बिकॉज ये उनका कॉमन एडजस्टमेंट है, हर सम में मिलेगा ही मिलेगा, इसके बिना उनका सम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस में बोला है इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे पहली बात तो एसेट्स मतलब कौन से साइड की बात हो रही है, डेबिट साइड की बात हो रही है, राइट। क्या करना है उसको, रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है मतलब माइनस करना है, ठीक है। ओके रिटर्न ऑफ, दो बार ये आ गया इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। सो हमें फिक्टिशियस एसेट और इंटेंजिबल एसेट को रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है मतलब माइनस करना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको नहीं पता है कि इंटेंजिबल एसेट कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो यहाँ दिख रहा है ये फिक्टिशियस एसेट है। सो अब ये लोग क्या करेंगे ना, एसेट को नाम नहीं देंगे, वो लोग बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स को रिटर्न ऑफ करो। अब इंटेंजिबल एसेट्स का तो बहुत बड़ा लिस्ट है, वो लोग बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स को रिटर्न ऑफ करो, फिक्टिशियस एसेट्स का अपना बड़ा लिस्ट है। सो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें सारे इंटेंजिबल एसेट्स होंगे और सारे फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, जिससे आप उसको इजिली रिकग्नाइज कर सको। अगर आपको नहीं पता है तो जिन लोग को पहले से पता है कि इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट है। फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आया करता था प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो अब सम पे वापस जाते हैं, दो एसेट है, एक तो ये इंटेंजिबल में गुडविल और ये फिक्टिशियस में प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है मतलब माइनस करना है। अब देखो इसका मैं कंबाइन एंट्री करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, दोनों ही डेबिट में, अगर दोनों ही डेबिट में है तो दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले मैं लिख दूंगा गुडविल और फिर यहाँ मैं लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा सवाल है कि कितने से कम करना है, क्या एडजस्टमेंट में मेंशन किया है, एडजस्टमेंट में अमाउंट ही नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे पूरा अमाउंट ले लेंगे, क्या करेंगे पूरा 5-5, इत्तेफाक से दोनों का ही 5-5 लाख है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 लाख, यहाँ भी लिख देते हैं 5 लाख। ऊपर कौन आएगा, डेबिट में आएगा कैपिटल रिडक्शन, तो मैं लिख दूंगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, आ जाएगा 10 लाख। नरेशन में भी मैं वही लिखूंगा जो उन लोगों ने लिखा है, मैं लिखूंगा बीइंग इनटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, एसेट्स रिटर्न ऑफ। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैंने कंबाइन एंट्री पास किया है, दो एंट्री अलग अलग कर सकता था, गुडविल के लिए अलग, पीएनएल के लिए अलग, दोनों ही एसेट है, दोनों ही कम हो रहे थे, दोनों को साथ में कर दिया ताकि टाइम भी बचे और नरेशन भी एक ही बार लिखना पड़े, दो दो बार नहीं। ऐसे एग्जाम में आपको ऐसे ही कंबाइन एंट्रीज करना है, फिलहाल हम लोग इनिशियल स्टेजेस में, इसीलिए अभी के लिए हम लोग एक एक एंट्री भी करेंगे तो चलेगा, बट आगे जाते हुए हम लोग एंट्रीज को कंबाइन कर देंगे, क्लब कर देंगे। ओके सो ये था एंट्री नंबर हमारा 5th, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ 5th। उसके बाद बारी आएगी 6th, देखते 6th में क्या पार्ट नया। अब ओके सो 6th में एडजस्टमेंट में नया पार्ट दिया है, नया वर्ड, पहले तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब कौन से साइड की बारी है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट की चीज को अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। ओके क्रेडिटर्स वेव्ड, नया वर्ड आ गया वेव्ड, व्हाट इज वेव्ड, वेव्ड का मतलब भी आपके लिए क्या है, रिड्यूस, ठीक है। तो देखो ये वर्ड अलग अलग वर्ड पकड़ो, हर एडजस्टमेंट में लोग नया नया वर्ड देंगे आपको जो आपको पकड़ने हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब कम, रिड्यूस का मतलब कम, रीवैल्यू का मतलब कम नहीं होता है, रीवैल्यू का मतलब नया वैल्यू, ये याद रखना है। रिटर्न डाउन का मतलब भी क्या होता है, कम करना है, रिटर्न ऑफ का मतलब कम करना है। अब आया वेव, वेव मतलब भी कम करना है, लेकिन कितना कम करना है,
20% ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर को ढूंढो कितना है, 1 लाख। 1 लाख का 20% इज इक्वल टू 20,000। ये वेव हो रहा है मतलब कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, माइनस करना है क्रेडिटर्स में से। अब क्रेडिटर्स ऑलरेडी क्रेडिट में, तो क्रेडिट की चीज को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो मैं जाऊंगा एंट्री में जाके लिखूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, नीचे आ गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगेन एक बार फिर से बता दूं, कैपिटल रिडक्शन नॉमिनल अकाउंट है। अगर मेरी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स कम होते हैं तो मुझे मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अमाउंट याद रखना, 1 लाख नहीं लेना है, 20,000 लेना है, 20% जो उन लोगों ने कहा था। नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स, बीइंग 20% ऑफ क्रेडिटर्स क्या हो गया, वेव्ड, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, सिंपल। ओके, क्रेडिटर्स को कम करना है, क्रेडिटर्स ऑलरेडी क्रेडिट में, तो क्रेडिट की चीज को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा, सातवां एडजस्टमेंट, जहाँ के हमको कहा गया है बिल्स पेबल इज रिड्यूस्ड बाय 30,000। ये बाय पे ध्यान दो, बाय 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 मतलब एंट्री में कितना अमाउंट आएगा, 30,000 ही लेके एंट्री सॉल्व करना है। प्लस बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ऑलरेडी कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में। क्रेडिट की चीज को क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्रेडिट की चीज को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। मैं एंट्री में जाऊंगा, यहाँ जाके लिखूंगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखने नीचे आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अमाउंट डायरेक्टली कितना लेना है इस बार, 30,000, डायरेक्ट 30,000 हम लोग ले लेंगे, 30,000, 30,000। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँ, 30,000 है, या 30,000, 30,000, 30,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल्स पेबल रिड्यूस्ड, और यहाँ के हमारा सम खत्म, जर्नल का टोटल करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोगों को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना भी सीखना है। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक का हमारा मेन इंटेंशन था कि आपको जर्नल एंट्री समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग ने कोशिश की कि जर्नल एंट्री समझे, एक बार जर्नल एंट्री राइट आ गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना ज्यादा ईजी हो जाएगा। बट याद रखना, अगर जर्नल गलत हो गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो भी गलत हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,